क्लास 12 हमने आपको पिछली वीडियो में जन संचार माध्यम के जो माध्यम समझाए थे उसमें समझाया था आपको रेडियो और टेलीविज़न या दूरदर्शन के विषय में। आज हम आपको बताएंगे सिनेमा और इंटरनेट के विषय में। तो भारतीय सिनेमा विश्व का सिरमौर है, सिरमौर का मतलब ताज। तो भारतीय सिनेमा को विश्व का सिरमौर कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक फिल्म भारत में बनाई जाती हैं। यहाँ लगभग हर साल 800 फिल्में बनती हैं। पहले फिल्में जो है 6 महीने में 7 महीने में एक फिल्म कंप्लीट होती थी, लेकिन आज एक साल के अंदर 800 फिल्में बनती हैं, वो भी भारत में, जिन्हें बड़े चाव से देखा जाता है लोग, क्योंकि फिल्मों का टाइम जब से चला है लोग फिल्मों को बहुत ही चाव से देखते हैं। भारत की पहली मूक यानी चुप गूंगी फिल्में जिनको कहा जाएगा, दादा साहेब फाल्के ने 1913 में बनाई थी। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फिर जैसे जैसे उसका मतलब पसंद किए जाने लगी, उसके बाद जो बोलती हुई फिल्म आई थी हमारी 1931 में, उस फिल्म का नाम था आलम आरा। आरंभ में धर्म और पुराण और इतिहास पर आधारित फिल्में बनती थी। पहले जो लोग धर्म और पुराण और हमारे जो पिछला इतिहास था उस पर आधारित फिल्में बनती थी, लोग उनको बहुत पसंद भी करते थे। फिर सामाजिक यथार्थ का जमाना है। सामाजिक यथार्थ यानी जो समाज के हिसाब से जो यथार्थ माने सत्य है, उसके आधार पर फिल्मों का जमाना आया। उसके बाद धीमे धीमे फिल्मों का क्रेज बढ़ता गया। फिर आई प्रेम और फंतासी यानी मारपीट का युग, तो उनकी फिल्में बनने लगी। फिर धीरे धीरे व्यावसायिक और फॉर्मूला फिल्में बनने लगी, यानी कि पैसा कमाने के लिए उसमें उसके आधार पर फिल्में बनने लगी। उन्हें उसमें मनोरंजन भी होता था, प्रेम के विषय में भी होता था और मारपीट भी होती है। कला फिल्में हाशिए पर चली गई, हाशिए यानी जो कलात्मक फिल्में थी वो धीमे धीमे ख़त्म होती चली गई। आज भारत की पारिवारिक फिल्में भी लोकप्रिय हैं, लोग जो है पारिवारिक फिल्में भी बहुत अधिक पसंद की जाती हैं और ये केवल भारत में ही बनाई जाती हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध निर्माता यानी फिल्म निर्माता जो इस प्रकार हैं, पृथ्वीराज कपूर, गुरुदत्त, सत्यजीत राय, श्याम बेनेगल और मृणाल सेन और गोविंद निहलानी। ये है हमारा सिनेमा जगत। उसके बाद आते हैं इंटरनेट। बच्चे सभी इंटरनेट के विषय में तो सभी जानते ही हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय संचार माध्यम है वो है इंटरनेट। ये लोकप्रिय क्यों है? इंटरनेट जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। क्यों? क्योंकि इसमें मुद्रण ध्वनि यानी रेडियो, दृश्य यानी दूरदर्शन, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम है, यानी कि सब इसमें मिला हुआ है। मुद्रण यानी कि लिखित रूप में, ध्वनि यानी सुन भी सकते हैं, दृश्य यानी देख भी सकते हैं और मूवी वगैरह भी इसमें देख सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ का संगम है यानी मिला हुआ है। इसका व्याप एक साथ विश्व भर में होता है, यानी कि एक साथ पूरे विश्व में ये चलता है। इसके विश्वव्यापी जाल को www के माध्यम से पल भर में पूरे विश्व के ज्ञान का, मनोरंजन का अंग बना सकता है। यानी कि इंटरनेट पे लॉगिन करने के बाद भी हम पूरे विश्व का उसमें जानकारी ले सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति केवल पाठक, श्रोता या दर्शक ही नहीं रहता, वह भी संचार प्रणाली का प्रसारक बन सकता है, यानी खुद भी प्रसारक बनता है, बन ही जाता है। जब हम उस पर अपनी कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं तो पूरे विश्व में वो देखी जा सकती है, उसका अंग बन जाता है। वह उसके माध्यम से बातचीत कर सकता है, हम अपने प्रियजनों से ही बात कर सकते हैं फेस टू फेस उसमें, इसलिए ये सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है, यानी अपने बारे में भी उसमें दिखा सकता है, ब्लॉग बना सकता है, अपने संदेश विश्व में पहुँचा सकता है। इसलिए इंटरनेट आज के ज़माने में सबसे अधिक जो है लोकप्रिय है और जन संचार माध्यम का एक माध्यम भी है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब इससे आगे जो चैप्टर आएगा हमारा पत्रकारिता।